नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर एक बार जीडी कांस्टेबल जीके की सीरीज़ लेके आया हूँ। ये फोर्थ वीडियो है, इससे पहले भी 3 वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, जो कि जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जीडी कांस्टेबल की डेट्स आ चुकी हैं और हम इसलिए अब ये जीके की सीरीज़ हमने बनाई है, जिससे आपका एक भी जीके का क्वेश्चन है वो ना छूट पाए। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? भारत में जो सबसे अच्छी क्वालिटी का संगमरमर है वो किस स्थान से प्राप्त होता है, आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी मकराना या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका उत्तर है ऑप्शन सी मकराना। मकराना में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो संगमरमर है वो अवेलेबल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? निम्न में से जो किस कौन से पर्वत को पर्वतों का पालना कहा जाता है, आपको इसका उत्तर देना है। महासागरीय भागों के, ऑप्शन बी महाद्वीपीय भागों के, ऑप्शन सी भूसंतियों को या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भूसंतियों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है नहीं है? चलते हैं। ऑप्शन ए माउंट अटना, ऑप्शन बी माउंट फ्यूजियामा, ऑप्शन सी माउंट ब्लैक या फिर ऑप्शन डी माउंट किलिमंजारो पर्वत, आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी माउंट ब्लैक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल जो है वो किन दो देशों के बीच में बना हुआ है, आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत एवं म्यांमार या फिर ऑप्शन डी भारत एवं श्रीलंका, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारत एवं श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इन चारों में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो सबसे छोटा है आकार में? ऑप्शन ए अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन बी एशियाई महाद्वीप, ऑप्शन सी यूरोपीय महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप, आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा क्षेत्र लोह क्षेत्र है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो एक लोह क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए सिवान क्षेत्र, ऑप्शन बी झरिया क्षेत्र, ऑप्शन सी कुदेरमुख क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी सिंहभूम क्षेत्र, आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुदेरमुख क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? जो पानी की कठोरता है उसको दूर करने के लिए कौन सी विधि का इनमें से प्रयोग नहीं कर सकते हम? ऑप्शन ए ठंडा करना, ऑप्शन बी गर्म करना, ऑप्शन सी जमाना या फिर ऑप्शन डी उबालना, इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उबालना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह लोगों को किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल क्षेत्र, ऑप्शन बी विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी साहित्य क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी कला के क्षेत्र में, आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मत अधिकार दिया? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी यूरोप, आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्यों में से किस में स्थित है? जो फूलों की घाटी है वह किस राज्य में भारत के उपलब्ध है? आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। इसका उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।